आप इन्हें खामोश कर दें, अब ये लाडला बदल गया है, अब ये लाडले का किरदार अदा करने आए, जैसे उन्हें कोई आवाम के सामने, आवाम के सामने कब जाए, आप चुप हो जाए ना, मैं बकलोते हैं, कैंपेन चला रहे हैं, बंद कमरों में, आप नहीं बोले, आप नहीं बोले, आप नहीं बोले, मैं आपकी बात में नहीं बोले, आप ये तो कब वो लोग भी कह रहे हैं नहीं एक्सपेक्टेशंस आप आज आप एक अपने आपको कौमी जमात कहते हैं आप आवाम के सामने अपना मंसूरा मुकदमा पेश करें या आपने भी वही काम करना जो इमरान खान करता था कि आपकी तकरीर के बताएं इंशाल्लाह साहब क्या मुश्किल वक्त में पांव पकड़ते हैं और अपने अच्छे वक्त में दूसरों का गला पकड़ते हैं हमें कोई नहीं थी हमने आपके तमाशे क्योंकि आपको तो आदत है गुड टू सी यू कोर्ट की और आपको तो आदत है आपका ब्रांड ही है इस तरह की ऑल फॉल आके बोलना हाई कोर्ट के बाहर तो देखिए बात ये है अब भी जो हाल है इंतजार करते रहे इस वक्त का मेरिट किसने कहा मेरिट पे नैब ने कहा कि अपील करने में इतराज कोई नहीं नैब ने कहा केस खत्म कर दे किसने कहा मेरिट पे हुआ बात जो उन्होंने की कि बड़े सादे को अमीन सराको दरमानत वो मैं ऐसी बातें जो हम आपके शो पे नहीं कर सकते जो उस शख्स की हर दूसरे दिन कोई नई बात कभी कोई मानेका साहब का कोई मुलाजिम करता है कभी कुदर साहब अजहर साहब मेरी गुजारिश है आप अपनी जमात की और ये बरकरार ना ही रखें बेहतर है रिवायत कथा कलामी की एक बार बात सुन लें आपने माशाल्लाह घुमा फिरा के खूब बातें की और जो बात और जिसका जवाब नहीं देना चाह रहे थे आप जो बच्चों में ये जनाजे डिक्लेयर नहीं आज तक ना मनी ट्रेल है ओ ठीक है तो आप बहुत एक आप संगीन इल्जाम आप कह रहे हैं कि ये तब से मनी ट्रेल नहीं है और डिक्लेयर नहीं है मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कोई मनी ट्रेल नहीं है इनका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज लाइव शो में नून लीगी बिलाल कियानी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनमा शैला रजा एक दूसरे पर खुलकर बरसे बिलाल कियानी ने शैला रजा की इस बात को सच साबित किया कि जब हम मजबूर होते हैं तो पांव पकड़ते हैं और जब हम मजबूत होते हैं तो गला पकड़ते हैं इस पर पीटीआई के सीनियर वकील अजहर सदीक ने दोनों के बारे में जो कुछ कहा आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं तो आप अगर प्लीज इस पे फरमाएं कि कई सारे अहम मामलात हैं जो शैला साहब ने भी गिनवाए हैं और ये आप पे भी तो सवाल आना बनता है ना सर कि आपको अगर तनकीद का निशाना आपके साबिक इत्तेहादियों की तरफ से हो रहा है जिन्होंने आपका इस कदर साथ दिया आप लोग खुद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने आपकी बहुत बड़ी एक जो एक नासूर था मुल्क में उससे जान छुड़ाने में मदद की और आप बहुत उनका आप ग्रेटफुल होते हैं उनको तो अगर उनकी तरफ से भी कोई बात आ रही है तो यकीनन उसमें कुछ ना कुछ तो आई मीन देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर देखिए उसमें एक ही बात है कि इलेक्शन सामने हैं सबको नजर आ रहा है कि अवाम नवाज शरीफ के साथ है नवाज शरीफ साहब चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ पे तनकीद नहीं करेगी तो अपना इलेक्शन नहीं लड़ सकती ये बिलावल साहब का मुद्दा है सारा यही अपनी मीडिया की टीम को बता रहे हैं उनका ख्याल है ये इस तरह की भोंडी बातें करके अपना इलेक्शन बना लेंगे इनकी खाम ख्याल है मगर इस बात पर जरा तफसील पर जाने से पहले मैं जरा एक बात आपको बताना चाहूँगा क्योंकि ये बात बार बार गोलमोल हो रही है 190 मिलियन पाउंड या 60 अरब रुपये का मामला है क्या ये बात आवाम के सामने वाजे होना बड़ा जरूरी है 60 अरब रुपए एनसीए की तरफ से पाकिस्तान आए जो पाकिस्तान की आवाम के 60 अरब रुपए थे जो कि अस्पतालों पे स्कूलों पे आवाम के ऊपर खर्च होने थे वो पैसे साबिक चेयरमैन पीटीआई साबिक मुसल्लित शुदा वजीर आजम ने काबीना के अप्रूवल से काबीना में एक लिफाफा आया उसको बंद रखा गया ताकि 60 अरब रुपए पे डाका मारा जा सके और उस 60 अरब रुपए पे डाका मारने के लिए काबीना का अप्रूवल किया गया ताकि वो 60 अरब रुपए आवाम की जेब से निकाल दिए ट्रस्ट प्रॉपर्टियां अंगूठियां तोशा ये चीजें अंगूठियां अजहर साहब ने ये कहा है कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो यही तो तनकीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बतानवी कवानीन का पता ही नहीं कॉन्फिडेंशियलिटी एनसीए की है वही इंटैक्ट पर रखनी थी ना पाकिस्तानी नहीं मेरी 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 यार सुने चले मेरी यार सुने चले उसको छोड़ दें आपके लिफाफा खुला कि नहीं खुला आप मुझे बताएं कि किस असूल के तहत 60 अरब रुपए जो आवाम के थे वो आवाम वो ये हुकूमत के अकाउंट के बजाय एक जुर्माने को एक प्राइवेट जुर्माने को सेटल करने के लिए इस्तेमाल किया गया वो 60 अरब रुपए उस जुर्माने के सेटलमेंट के पैसे नहीं थे वो आवाम के पैसे थे जिस पर डाका मारा गया जिसके एवज अंगूठियां मिली जिसके एवज अल-कादर ट्रस्ट मिला और देखिए दूसरी बात जो उन्होंने की कि बड़े सादे को अमीन सदाको दरमानत वो मैं ऐसी बातें जो हम आपके शो पे नहीं कर सकते जो उस शख्स की हर दूसरे दिन कोई नई बात कभी कोई मानेका साहब का कोई मुलाजिम करता है कभी कोई उस शख्स की ऑडियो और वीडियो लीक निकलती है और आखिरी बात अगर आपने सदाको दरमानत का सर्टिफिकेट के ऊपर मोर लगानी है तो आप फिर तोशा खाना के जो जगह जगह काबा की खाना काबा वाली घड़ी बेचने वाले मामले से लेकर छोटे छोटे ताइफ ये वो शख्स है जिसने 1000 रुपया छोड़ा है जिसने कोई चीज नहीं छोड़ी बनी गाला के महाना सबकी बारी आ जाए बिलाल साहब अपनी अगर जल्दी खत्म करना चाहते हैं अपनी बात आप कर ले ताकि मैं दीगर के भी व्यू पॉइंट से होल्ड ऑन टू योर पॉइंट प्लीज जी जी इत्तेहादियों के हवाले से जो आपने बात की इस बात में कोई शक नहीं है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले
जिस तरीके से वो इत्तेहाद चला, जिस पॉलिटिकल मेच्योरिटी के साथ चला, उसके नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशनली एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और एक मुसल्लतशुदा हुकूमत को हटाया गया। फिर उसके बाद 16 माह की हुकूमत में भी एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी के साथ सारी जमातें साथ चली और बड़ी मुश्किल वक्त में आवाम को डिफॉल्ट से बचाया और मुल्क को आगे लेके चले। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो जमहूरी जमात रही है, उसको वो उसी पॉलिटिकल मेच्योरिटी के साथ इलेक्शंस में भी आई आगे चलते ठीक है। लेकिन फिलहाल साहब मैं आपको बताऊं सर, वो भी तो आपसे तवक्कु कर रहे होंगे ना, वो भी तो आपसे तवक्कु कर रहे होंगे कि आप उनको भी साथ लेकर चलेंगे या फेयर प्ले जिसको वो लोग भी कह रहे हैं कि फेयर प्ले नजर नहीं आ रहा, उनकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी ना जो पूरी नहीं हुई। सुने नहीं नहीं एक्सपेक्टेशंस आज आप एक अपने आपको कौमी जमात कहते हैं, आप आवाम के सामने अपना मंशूरा मुकदमा पेश करें या आपने भी वही काम करना जो इमरान खान करता था कि आपकी तकरीर के अंदर के अलावा कुछ रही ना, ख्याल है किसी नक्शे कदम पे चलना है और खामोश कर दे, आप इन्हें खामोश कर दें, अब ये लाडला बदल गया है। आप कैंपेन नहीं, आप कैंपेन नहीं चला रहे, आप कैंपेन नहीं चला रहे, आप रो रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अब ये लाडले का किरदार अदा करने आए, जैसे उन्हें मिलती थी सहूलत चाहिए अब इन्हें मिल रही है, और इन्हें कोई आवाम के सामने, ये आवाम के सामने कब नहीं, अब आप चुप हो जाए ना, मैं आपके बारे में बिल्कुल नहीं बोली, आपने हम सिर्फ अकलौते हैं जो कैंपेन चला रहे हैं, बंद कमरों में आप नहीं बोले, आप नहीं बोले, आप नहीं बोले, मैं आपके बारे में नहीं बोले, आपके बारे में बिल्कुल नहीं बोली आपने, हम सिर्फ अकलौते हैं जो कैंपेन चला रहे हैं, बंद कमरों में आप नहीं बोले, आप नहीं बोले, आप नहीं बोले, मैं आपके बारे में नहीं चला रहे, आप रो रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आप कैंपेन नहीं चला रहे, हम कैंपेन चला रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं आवाम के सामने कर रहे हैं, आवाम ने अगर डिसाइड करना है तो आपका भौंडापन डिसाइड देख रही है, डिसाइड आपका भौंडापन हुआ है, हमारा नहीं हुआ, और हमें पता है, हमें आपसे कोई तवक्को नहीं थी, हमें मालूम है कि पीर साहब पगारा आपके लिए कह चुके हैं कि आप मुश्किल वक्त में पांव पकड़ते हैं और आपने अच्छे वक्त में दूसरों का गला पकड़ते हैं, हमें कोई नहीं थी, हमने पाकिस्तान के लिए, हमने पाकिस्तान के लिए जो किया वो किया, हमने आपको आमादा किया कि आइए वोट ऑफ मोशन ऑफ लो कॉन्फिडेंस लाए, आपको तो जिन्होंने भार भेजा था, जिन्होंने भार भेजा था, जिन्होंने भार भेजना होता है उन्होंने भेजा था, वो कह चुके ख्वाजा आसिफ, उनका गला पकड़े, हमारे को गला पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात जो है वो ये है, दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ ये सूबे सिंध का पैसा था जिसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया, हमने नहीं कहा, पीटीआई के अंदर से बात आई है, अच्छा, श्री मजारी के बयानात देख लें, श्री मजारी के बयानात देख लें कि उन्होंने एक आवाज उठाई कि इस लिफाफे में क्या है, अजहर साहब अभी तो इतना माजी दूर नहीं हुआ है ना भाई, के पहाड़ तोड़ने थे तो आपने सूबे सिंध भी तोड़ने थे, अजहर साहब इसका आखिर में जवाब फरमा दे। अच्छा मैं देखिए वजह ये है कि सुबह सिंध का पैसा है अपना, और वो हमें मिलना चाहिए, अपना काम किसने का कान कुता लेके बात किया, हम कान नहीं देते कि मुझे भागना शुरू कर देते, सही अजहर साहब मेरी बात सुनो, हां मेरी बात सुनो, पहली जो बात है 190 मिलियन का एनसीए का वो पढ़ने एग्रीमेंट कॉन्फिडेंशियलिटी का, उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में पैसे जमा कराने का कहा है, अपने दे नहीं हुए, फिर काबीना की बात कर रहे हैं, अच्छा काबीना में से इस रेफरेंस में नैब के रेफरेंस में कितने लोग हैं, काबीना ने उसको मंजूर किया है, उनको भाई मुल्जिम तो बनाए आपने, बनाया नहीं, केस वही खत्म हो गया, तोशाखाना की आज तक जो बातें करें ना कि घड़ी नहीं ली उधर नहीं ली, भाई हर चीज डिक्लेयर थी, जो तोशाखाना में सजा दी गई उसमें बता दे कोई एविडेंस कोई चीज आई नहीं आई, हवाई बातों में जो मर्जी आप कहते हैं इस बात को, लेकिन तारीख गवाह है इस बात की कि हम 85 के प्रोजेक्ट को आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, वही वजीर आजम, वही काबीना, वही सड़कें, वही मोटरवे जिसने इस मुल्क की तबाही की, मोटरवे तो आपको बिलाल साहब कहेंगे अच्छी बात है भाई, सड़कें मोटरवे भी ना बने, सुने जवान इनके पास कुछ नहीं है, आप बात को समझिएगा, इस मुल्क को आगे किसने लेके जाना है, किसने लेके जाना है, 3 सालों में मुल्क की मुश्किल देखें, केपी को इन्होंने जहाँ पहुंचाया है 10 साल में ये तो नहीं ले जा सकते, केपी को आपने तो नहीं लेके जाना, अगर आप कोई और ले जाए तो ले जाए, ये नहीं लेके जा सकते, फेल हो चुका है। अब आपने ये कुरान और सुन्नत का हवाला क्यों दिया, कि आपको क्यों लगता है कि उस नॉलेज का फुकदान है आपके ओपोनेंट के ओपोनेंट्स के पास, क्या वजह है आपने ये कोर्ट की, ये वजह ये है आर्टिकल 62(1) है, जो सादक और अमीन मजाक उड़ाते रहे हैं, बर्तानिया पूरी दुनिया में सोसाइटल वैल्यू है, अच्छा उसकी बात कर रहे हैं आप, 62(1)F की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ का वजीर आजम एक कोरोना में घर जलसा किया था, जाना पड़ गया उसको, हमारे यहाँ झूठ बोला है, फ्रॉड फ्रेम है, और हम डिफेंड कर रहे हैं उसको, ये मुसलमानों का आज जो दीन है ये नीचे गिरावट की वजह यही है, और तीन चीजें मैं आपके सामने, आर्टिकल 62 के तहत आई थिंक खान साहब की भी तो नाअहली हुई भी है ना, ये जो ECP वाली हुई भी है, मुझे मौका दे दिया आपने, किसी एक वक्त पे माफी मांगेगा
इतनी बड़ी इन्होंने गलती कर दी है। हाँ मैं बताया तो सेक्शन 137 जो है ना वो कहता है आपने सलाना गुशवारे जमा कराने हैं, वो जिस साल जमा कराने 2018-19 के 2019 के अगले 120 दिन में एक्शन लेना है, नहीं लिया। अगले साल का अप्रैल 2021 में एक्शन नहीं लिया, तीसरा अप्रैल 2020 में एक्शन नहीं लिया। बदनीति देखे, फ्रॉड फ्रेब देख लें, इनके एमएनए उठते हैं वो एक रेफरेंस डायल करते हैं 63(1)(b) में सजा ही कोई नहीं है, कोई पहले सजा देनी है। फिर और मैं आपको बता दूं यूसुफ गिलानी को तो ही नहीं अदालत में सजा हुई थी, मैंने उसका रेफरेंस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी पहले मैंने रेफरेंस फाइल किया तमीदा मिर्जा के पास, उन्होंने नहीं माना, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया था इस बात को। तो यहाँ पर इस तोशाखाना का कोई केस नहीं है। मैं फिर बता दूं वो बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन कहता है मैं कोर्ट और ट्राइब्यूनल को है ही नहीं, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट 5 मेंबर बेंच सुन रहा है। अगर अगर जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब तोशाखाना का जुरिसडिक्शन तय कर देते 120 दिनों के अंदर, आज राजा परवेज अच्छा स्पीकर नेशनल असेंबली है, सारा दुख होता है इस बात का, उन्होंने क्या खिलवाड़ किया। 3 मैं गिनवा देता हूँ, एक तोशाखाना का चैलेंज इस बारे में भी कि गैर कानूनी रेफरेंस उनका इख्तियार ही नहीं है, साबित कर दे बाबा खालिद छोड़ दूंगा कि वो 63(1)(p) के तहत स्पीकर ने, आप कहते हैं कि राजा परवेज अशरफ साहब ने अपने इख्तियार से तजावुज किया, आपके पास 3 उसकी बड़ी लाउड मिसालें हैं। अच्छा ठीक है, मैं वैसे ये बात शैला साहब से पूछने वाली है, मैं आती हूं कि जाहिर है जब जी जी प्लीज उठा ले लेना। हां देखिए एक आपने कोशा खाना गिनवाया आपके सामने, ठीक है जिनके कह रहे किया वो आपके सामने है, वो समझ आ गया इसमें कोई शक नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल रहा है। अच्छा अच्छा घोड़े पे चढ़ बड़ा वैसे आपने अहम इल्जाम लगाया कि स्पीकर जो है आप कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के हाथों पे खेलते रहे। दूसरा राजा परवेज अशरफ 20 सीटों से अपोजिशन लीडर बन गया, खुदारा मैंने लिखा उसको, हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आया, फिर ये कहते रहे स्पीकर में इस्तीफे इस्तीफे, भाई लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तीफे सेट असाइड कर दिए, हम गए कि हमें असेंबली में बैठने दे, कह रहे असेंबली में बैठने दे जी, ये बात सही है, लाहौर हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था। राजा परवेज अशरफ ने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करके जजमेंट सस्पेंड करा ली, तो पीटीआई पे इल्जाम लगाते हैं कायक जाने इस बात को कि इन लोगों ने असेंबली के अंदर नहीं आने दिया। लेट मी टेक यू क्रॉस, आपने बड़ी अहम बात की है क्योंकि आपने पिछले स्पीकर पे भी आपने इल्जाम लगाया, ने बिल्कुल ठीक कहा कि नून लीग आज तक अपनी जायदादों का मनी ट्रेल नहीं दे सके क्योंकि सारा पैसा इस गरीब आवाम का लूटा हुआ है, मनी ट्रेल ये कहाँ से लाएंगे, और अब ये इस गरीब आवाम के लूटे हुए पैसे पर फिर उसी आवाम के ऊपर मुसल्लत होने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। आवाम इनको पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है मगर ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर इकतदार हासिल करना चाहते हैं। नाज़रीन आपका क्या ख्याल है, नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।